नेल्सन मंडेला के बाद सामाजिक न्याय का सच्चा हितैषी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कल आगमन होने वाला है। उनको लोग देखना चाहते हैं। जब सिंगापुर गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, उसके बाद लोगों का, बहुत कम लोगों का दर्शन हो सका। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे या आनंद मोहन से मुलाकात करेंगे? आनंद मोहन 14.5 साल का जो वनवास था उनको हम वनवास उसको कहेंगे। 14 साल का वनवास उन्हें उनकी वजह से काटना पड़ गया, तो उनको माफी मांगना चाहिए। एक माफी का क्या सवाल है? हम लोगों ने भाई एक सरकार है एक और कोई व्यक्ति फंस गया है। कृष्णैया के पत्नी से जाकर के मिले ना, उसके बाल बच्चों से, कि बड़ा गलत हो रहा। ये भीतर का गेम भारतीय जनता पार्टी के आनंद मोहन जी को हम लोगों ने मुक्त कराया, समझे कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार में खुशी का माहौल बना हुआ है। माहौल दो खुशी की बात है, क्योंकि जो आनंद मोहन के जो भी समर्थक हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और उनके घर में अलग ही एक माहौल है, खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वो रिहाई हो गए हैं, उनकी रिहाई हो गई है, वो जेल से छूट कर आ गए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी में एक और खुशी का माहौल है कि लालू प्रसाद यादव जो कि कल बिहार आने वाले हैं, और उसको लेकर मैं इस वक्त आरजेडी में मौजूद हूं, और आरजेडी के में जो भी समर्थक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से मैं बात करूंगी कि कितना वो खुश हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ इन लोगों को मिल रही है। चलिए, MLC आज़ाद गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग को तो डबल खुशी मिल रही है। देखिए, हमको लगता है कि ये 2023 का जो वर्ष है काफ़ी खुशी भरा वर्ष है, और 24 और 25 हमेशा जो 3 साल का जो सत्र होता है वो 3 साल का सत्र हम लोगों के लिए खुशी का सत्र रहेगा। अच्छा। कल हमारे महान जननायक जिसको कहा जाता, देश के बड़े नेता नेल्सन मंडेला के बाद सामाजिक न्याय का सच्चा हितैषी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कल आगमन होने वाला है, जैसा हम लोगों को जानकारी मिली है। पटना की जनता काफ़ी खुश है, लोग खुश हैं, महागठबंधन के लोग खुश हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। जब सिंगापुर गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, उसके बाद लोगों का, बहुत कम लोगों का दर्शन हो सका। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा की पार्टी है, बहुत से हमारे कार्यकर्ता दिल्ली जाके दर्शन नहीं कर सकता उनका, तो स्वयं आ रहे हैं कि हम ही कार्यक्रम को मन भी नहीं लग रहा, सोचे कि नहीं चलते, हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर उनका सिंगापुर का प्रोग्राम। तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे या आनंद मोहन से मुलाकात करेंगे? मैं कार्यकर्ताओं से, आनंद मोहन से क्या मुलाकात करेंगे, ये कार्यकर्ताओं के प्रति उनका काफ़ी लगाव रहता है, क्योंकि बहुत दिनों से जो आप लोगों की चाहत थी कि आनंद मोहन जी की रिहाई हो जाए, वो हो गया पूरा, और आज उनकी रिहाई हो गई है, और कल लालू यादव भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, वो जेल जो मैनुअल होता है उसके तहत रिहाई हुआ है, लेकिन जो तो लगा रही थी आरजेडी ही ना, एमेंडमेंट भी किया गया, मुख्यमंत्री जी ने किया, बधाई के पास, समय के अनुकूल 14.5 साल का जो वनवास था उनको हम वनवास उसको कहेंगे, कि बेचारे सीधे सब फंसे, किस तरह से फंसे, किस तरह से, कहाँ कहीं उनका स्थान नहीं था, फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं कि उनको सजा सुनाया, और एक ईमानदार। तो सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार जी माफ़ी भी तो नहीं मांग रहे हैं कि इतना सीधे साधे कैसे फंस गए हैं? 14 साल का वनवास उन्हें उनकी वजह से काटना पड़ गया, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। एक माफ़ी का क्या सवाल है? हम लोगों ने भाई एक सरकार है और कोई व्यक्ति फंस गया है, हम एक व्यक्ति के लिए हमने ये कानून नहीं लाया, कई व्यक्ति आनंद मोहन जी के साथ 26 लोगों की रिहाई हुई, और रिहाई किस शर्त पर हुई, जो तमाम जो रिपोर्ट जो है, देखिए आप जेल मैनुअल एक्ट का जब आप अध्ययन करेंगे तो जेल हर जो आजीवन कारावास जो कैदी होते हैं उनका रिपोर्ट निरंतर मंगाया जाता है कि उन कैदियों की हालात क्या है, वो किस तरह से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जेल में क्यों भेजा जाता है, वनवास क्यों किसी को भेजा जाता है, ऋषि मुनि के आश्रम में लोग क्यों जाते हैं, तो वहाँ एक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु है, वहाँ तरह तरह की शिक्षा सरकार के द्वारा भी देखते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर अन्य तरह का ट्रेनिंग। मुझे बताइए कि उधर आनंद मोहन की रिहाई आज, कल लालू यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दोनों में मुलाकात होगी,
इनके मतलब रिहाई के पहले डिप्टी सीएम जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं तारकिशोर जी, वो भी आनंद मोहन से मिलने गए थे, तो क्या इन लोगों का ये हो रहा है कि हमारी पार्टी में आइए या क्या कुछ, मतलब पूरा चुनाव के लिए पूरा ये माहौल? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है, हमेशा दोहरा चरित्र रहा है, एक स्टैंड पर वो लोग कभी नहीं रहे। क्लियर कहे ना मीडिया के सामने कि हम आनंद मोहन का विरोध करते हैं, आनंद मोहन जाकर के कृष्णैया के पत्नी से जाकर के मिले ना उसके बाल बच्चों से कि बड़ा गलत हो रहा है। ये भीतर का गेम भारतीय जनता पार्टी खेलती है। आनंद मोहन जी किधर आएंगे? आनंद मोहन जी किधर आएंगे नहीं आएंगे इससे हमको क्या मतलब है? आनंद मोहन जी को हम लोगों ने मुक्त कराया, समझे कि नहीं, जो उनका 14.5 वर्षों का कुछ बड़ा खेल होने वाला है क्या? चुनाव बस 24 ज्यादा दूर नहीं है, 23 बस जा क्रॉस कर ही रहा है। खेल तो देखिए ऐसा होगा 2024 का कि बिहार से नरेंद्र मोदी का आता पता नहीं रहेगा। बिहार की जनता मन बना ली है कि नरेंद्र मोदी ऐसा हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, न यहाँ कोई विकास हुआ, न फैक्ट्री बैठा, न लोगों को रोजगार मिला। इसलिए चुनाव के पहले आरजेडी अपना पैदा चल दिया। देखिए चुनाव से कोई लेना देना नहीं आनंद मोहन जी का, चूँकि 14.5 हम भी तो जा करके कहते कि आप मेरे दल में आ जाइए, आप ही बोल रहे हैं कि तारकेश्वर प्रसाद और सुशील कुमार मोदी ऐसा लोग लगा हुआ है आनंद मोहन के यहाँ कि आप मेरे दल में आइए। देखिए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही माहौल बना हुआ है खुशी का और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आधिकारिक सूचना इन लोगों को नहीं प्राप्त है, इसलिए कई लोग जो है बोलने से मुकर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सूत्रों से जो खबरें सामने आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव कल आ रहे हैं और उस पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है आरजेडी में और उनके आवास में, कितने लोग खुश हैं और आने का क्या कुछ कारण है। चलिए तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।